अब इट्स ऑलवेज देयर आर सर्टेन कोई ना कोई ग्लिश हो जाती है। आई कुडंट रिसीव योर रिक्वेस्ट। अब आ गई है। हाउ मैं आर यू सना? एब्सोल्युटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेशन विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि अब कोई ऐसा टेस्ट ना आए। अच्छा जी, बिल्कुल दिस इज इंशाल्लाह। मी सोनिया सिंह के फ्रॉम द स्कैनी मी ग्रुप एंड आई एम वर्किंग हियर एज अ पैनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मॉडरेटर एंड टुडे वी आर हियर विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट। एज यू नो डॉक्टर मोहसिना इज विद अस एवरी इन वन सम ए मंथ, सो यू कैन से। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहसिना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो उसके बाद फिर हम जी, अपना टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हैं। आई एम डॉक्टर मोहसिना नूर इब्राहिम। आई एम वर्किंग एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एज अ पीडियाट्रिशियन एंड एज अ प्रोफेसर। और माय स्पेशलिटी इज न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड बच्चों के जो आम मसाइल होते हैं, लाइक आई डू दैट ना। और स्पेशली जो ग्रोथ और जो एंडोक्राइन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो भी मैं करती हूँ। एंड आई एम वर्किंग एज अ पीडियाट्रिशियन फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 20 ईयर्स। जी अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द कोल्ड। हाउ कैन वी प्रिवेंट अवर चिल्ड्रन फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है बच्चों को, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम बच्चों को जी, सेफ कर सकते हैं। जी डॉक्टर असल में मोहसिना, इसके बारे सर्दी एक ऐसा वेदर है कि जो बच्चे चूंकि उनकी इम्यूनिटी अभी बन रही होती है और उनके उनको कोई भी प्रॉब्लम या एलर्जी या बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो बच्चे इसमें ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। बच्चों के लिए मौसम जरा मुश्किल हो जाता है, उनको टफ टाइम देता है। तो उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए काम करना है। उसमें हमें डाइट का स्पेशली ख्याल रखना है, जो भी हम कर सकते हैं। छोटे बच्चों में जो नॉर्मल डाइट होती है, जो हेल्दी डाइट होती है, यानी कि दूध, अंडा और सूप्स का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स, ये चीजें आपकी इम्यूनिटी को ऊपर रखती हैं और आपके एनर्जी लेवल को अच्छा रखती हैं। तो बच्चों में भी जिस तरह से भी हो सके, हमारी माए माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि वो किसी ना किसी सूरत में बच्चों को ये चीजें देती रहती हैं। प्लस एक और चीज जो माए कर सकती हैं कि वाइटामिन ए और डी का इस्तेमाल है, जो कि हमारी नॉर्मल डाइट से भी हो सकता है या हम सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चों को सर्दी से, और तीसरी अहम बात ये कि सर्दी से बचाना है, ऐसे टाइम पे कोशिश करें कि बच्चों को ना निकालें जब वो अननेसेसरीली ठंड से एक्सपोज हो। ऐसे बहुत अर्ली मॉर्निंग या रात के टाइम पर कभी शादियां हो रही होती हैं, कभी वैसे शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि बहुत छोटे बच्चों को ऐसे वेदर में ना निकाला जाए। और अगर निकालें तो प्रॉपर क्लोथिंग हो अंदर, आप अंडर लेगिंग्स और जो अंदर हमारे शर्ट्स, अंडर शर्ट्स होती हैं वो पहनाएं, स्वेटर्स पहनाएं, प्रॉपरली वॉर्म रखें, सॉक्स पहनाएं, ग्लव्स भी हो सकते हैं, और कैप का इस्तेमाल भी आपका, क्योंकि बच्चों का हेड यूजुअली बॉडी से लार्ज होता है, तो उनका अगर सर को आप कवर रखते हैं तो उनको सर्दी कम लगती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और अगर इन चीजों पर अमल करें तो सर्दी कुछ नहीं कहती। सही। अच्छा, आपने जिक्र किया कि बच्चों को अननेसेसरी बाहर ना निकाला जाए, बिकॉज अब देखें रिसेंटली स्कूल भी ओपन हो गए और अभी तक टाइमिंग का भी कोई नहीं है कि इन्होंने कुछ चेंज ऐसा किया है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी अभी नहीं आई। जी तो मॉर्निंग में अब बच्चा जा रहा है एकदम सडन आपके के गर्म लिहाफ से निकल कर, तो उसमें हम क्या जी प्रिकॉशन दे सकते हैं बच्चों को? जाहिर बात है उसने वैन पे भी जाना है या ड्राइवर कार पे ड्राइव कर रहा है, तो बिल्कुल। ठंड का खतरा तो है, और अब हर स्कूल में ना तो हीटर है ना कोई इस तरह हीटिंग सिस्टम प्रॉपर है, और अगर है भी तो बहुत कम चलाते हैं कि भाई गैस का इशू ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास हीटिंग सिस्टम का प्रॉपर इतना कोई ट्रेंड नहीं है। सुबह सुबह जब बच्चा एक तो रजाई से उठता है तो घर तो अमूमन थोड़े वार्म होते हैं, लेकिन आप प्रॉपर क्लोथिंग का ख्याल रखें, यानी कि उनको लेगिंग्स, वार्म लेगिंग्स या वार्म अंडर शर्ट्स जो होती हैं वो लाजमी पहनाए। बच्चे जिद करते हैं, नहीं पहनते, कैप नहीं पहनते, लेकिन माओ माओ को मेक श्योर करना है कि वो ये जरूर पहनाए, ताकि एकदम घर से बाहर निकले तो ठंडी हवा ना लगे। देखिए, ये सब जी चीजें, ये वो कोशिशें हैं जो आप कर सकते हैं। और दूसरा, इम्यूनिटी और डाइट का भी बहुत ख्याल रखें। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो हो सकता है, जो वैसे मैंने बताया, विटामिन ए एंड डी का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी रहती है, तो उसको नजला, जुकाम या आम इन्फेक्शन कम होते हैं। स्कूल तो जाना है, स्कूल तो भेजना है, तो वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ अवॉइड हो सकता है, जैसे रात को अननेसेसरीली ठंड में बाहर निकलना, बहुत छोटे न्यू बॉर्न्स का स्पेशली मैं कहूंगी, या जो 1 ईयर से छोटे बच्चे, उनको अननेसेसरीली बाहर नहीं निकालना चाहिए। दिन में अगर धूप में
बच्चों को निकालें तो वो उनके लिए अच्छा होता है, उनसे उनकी विटामिन डी भी बेहतर होती है, और वो थोड़ी सी धूप लगना वैसे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। सही। यहाँ पे आपने डाइट का जिक्र किया था, जो स्टार्ट में आपने बताया था कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह दें। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में नट्स का यूज है, लाइक वॉलनट्स हो गए, या जिसका आप कह लेंगे चिलगोजे वगैरह, इस तरह आप छोटे बच्चों को क्या रिकमेंड करती होंगे, किस तरह के नट्स उनको दिए जाए? क्योंकि पता है ड्राई फ्रूट गर्म भी मैं तो होते हैं। ज्यादातर, हाँ देखिए, नट्स तो सारे अच्छे होते हैं, और वो ऑब्वियसली चिलगोजे हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन कुछ बिल्कुल जो बच्चे पीनट्स से एलर्जी नहीं है वो पीनट्स ले सकते हैं। बाकी बादाम है, किशमिश है, या काजू वगैरह है, जो इतने ज्यादा महंगे नहीं है, वो आप अगर तो बच्चे वैसे खा लेते हैं तो अच्छा है, वरना पाउडर बना के उनको दूध में मिक्स करके भी दिया जा सकता है। तो जो जिस उम्र से बच्चे खाना शुरू कर दें, लाइक जब दांत आ जाते हैं, तो तब से वो ले सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उसके लिए बिल्कुल आप माएं बिल्कुल परेशान हो जाएं या टेंशन लें। अगर आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं तो बादाम इज वेरी गुड, बाकी अखरोट भी अच्छे रहते हैं, और पीनट्स, अगर आपके बच्चे को एलर्जी नहीं है तो फिर आप पीनट्स भी दे सकते हैं। सही। यहाँ पे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे ने काजू का इनटेक बहुत ज्यादा किया था और उसकी वजह से उसको फिर पूरे जिस्म पे दाने हो गए थे। तो इसके जी बारे में आप क्या कहते हैं, कितनी क्वांटिटी में बंदा ले, अगर ये ड्राई फ्रूट भी ले रहा है, नहीं, क्योंकि देखिए, जो काजू एलर्जी होते हैं ना, उनको तो एक जी काजू काजू से यूजली बहुत कम एलर्जीज रिपोर्टेड हैं, केशु एलर्जी से कहते हैं, लेकिन पीनट एलर्जी इज वेरी कॉमन। तो अगर आपका बच्चा पीनट से एलर्जी है तो वो तो एक दाने से भी हो जाएगा, और काजू से अगर आपने नोट कर ली एलर्जी तो मे बी वो काजू से कोई एलर्जी हो, यूजली केशु नट इतनी एलर्जी करता नहीं है। तो वो आप मेरे ख्याल में तो बेहतर है कि वो चीज अवॉइड करें। क्वांटिटी फिर आप बिल्कुल नहीं, एक एक से भी नहीं ले सकते, एक काजू भी सही। नहीं ले सकते या इनकॉमनली एक हम पीनट कितना भी नहीं ले ले सकते सकते। हैं, कॉमनली कॉमन बच्चों में अगर हम दें तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? बिकॉज अगर बंदा बैठे खाने तो वो तो फिर लगातार ही खाता जाए ना, बच्चों को नहीं, क्या करना लगातार, हाँ जी, बस मेरे ख्याल में देखिए एक रूटीन हैबिट बना दें, जैसे बादाम है, 5 बादाम दे दिए, मूंगफली तो आप थोड़ी सी ज्यादा भी खा सकते हैं। और है। मैं बादाम पे इसलिए स्ट्रेस देती हूँ कि बादाम का हमारा ट्रेडिशनल रोल भी है कि जी आपकी मेमोरी को भी अच्छा करता है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ बिल्डिंग, अच्छे प्रोटीन और अच्छे मिनरल्स इसमें होते हैं। और एक एवरेज क्वांटिटी 5 to 10 बादाम, ये नहीं है कि आप पूरा डब्बा एकदम खा जाओ, डेली थोड़ा थोड़ा ज्यादा बेहतर रहता है। डेली 5 to 10 इस तरह से ले लें आप, वो बेस्ट है आपके लिए। सही। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा आपसे एक और क्वेश्चन होगा, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें काफी प्रॉब्लम आता है कि चेस्ट बलगम हो गया, रेशा हो गया, इस चीज को हम न्यू बॉर्न से बिल्कुल, ज्यादा करते हैं, फिर नाक बंद हो जाना, इस चीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं घर पर? कि हम जा रहे हैं, हम डॉक्टर के देखिए, पास, हमें कैसा है? आपके प्रोग्राम के तवसु से सबसे पहले तो मैं मदर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, तो उससे बिल्कुल आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो बेबी में चले जाते हैं। अगर आपके अंदर जो भी नेचुरल एलानिया इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहा होता है तो वो बेबी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बेस्ट तो ये है कि मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फॉर योर न्यू बॉर्न और योर इन्फेंट। उसके बाद फिर आपने जो करना है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो, अगर आपके बर्थ पे तो बीसीजी और पोलियो लगता है, मगर 1.5 महीने की उम्र से निमोनिया की वैक्सीन भी लगाई जाती है, तो वो 3 वैक्सीन लगती हैं। तो वो तीनों वैक्सीन आपके बच्चे के लिए अशद जरूरी है, वो निमोनिया से प्रिवेंट करती है, इसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार और दूसरे इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करती है, डिप्थीरिया, काली खांसी, तशनज, खुर नाक, इन सब चीजों से वो प्रिवेंट करती है। तो दूसरे नंबर पे आपने वैक्सीनेशन करानी है, लाजमी करानी है। देखिए, ये वैक्सीनेशन आपके बच्चे के लिए लाइफ सेविंग होती है। अभी हमने देखा है कि जब माएं बच्चों को वैक्सीन नहीं करानी थी, कराची में और लाहौर में डिप्थीरिया के केसेस भी हुए ड्यूरिंग दिस वेदर। फिर उसके बाद 9 महीने पर मीजल्स की वैक्सीन है, जो तो कि आपको लाजमी करानी है, क्योंकि मीजल्स नमोनिया बहुत कॉमन है, और मीजल्स से डबल नमोनिया की तरह की कैफियत हो जाती है। तो वैक्सीनेशन और ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा प्रॉपर वार्म रखें बच्चों को, हीटर के अगर पास रखें तो केयरफुली रखें, थोड़ा सा ह्यूमिडिफिकेशन जरूर होनी चाहिए हीटर वाले रूम में, इन सब चीजों का ख्याल रखें तो बच्चे ठीक रहते हैं। इसके बावजूद अगर बच्चे को सांस का या खांसी का कोई मसला होता है तो फौरन जल्द अज जल्द जो आपका पीडियाट्रिशियन है या जो आपके बच्चों का डॉक्टर है उसको लाजमी दिखाएं, उसमें लेट मत करें। सही। अच्छा, जो आप कफिंग का बता रहे हो ना, फ्लू का, बच्चों में फ्लू भी बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल, कि जी जी बच्चों का बिल्कुल, बड़ा सा फ्लू में प्रॉब्लम हो जाता है,
तो हम घर पे कैसी कौन सी रेमेडी कर सकते हैं बच्चों के हवाले से कि अब सारे मतलब होता है ना कि फर्स्ट एड जो हमने बच्चे को देनी है वो क्या दे सकते हैं? जी देखिए, होम रेमेडीज ये सारी अच्छी होती है ना, जैसे नीम गर्म पानी में हनी डाल कर दे, लेकिन हनी पुराना नहीं होना चाहिए, हनी बिल्कुल नया होना चाहिए, क्योंकि पुराने हनी से बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। तो ताज़ा शहद नीम गर्म पानी में डाल के देना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा ये जो यखनी है, 6 महीने से ऊपर आप बच्चे को यखनी या सूप दे सकते हैं। सही अंडा आप शुरू कर सकते हैं 6 महीने की उम्र से। एग इज वेरी गुड इन ऑल द विंटर वेदर, आपकी इम्यूनिटी प्रोटीन्स होती हैं एग में, वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर रखते हैं। इसके अलावा फिर आप ग्रेजुअली सूप्स जो है उसको अच्छी तरह बीट करके चिकन को या कोई भी आप घर में जो बनाते हैं सूपी लाइक थिंग वो दे सकते हैं। ये तो घर की चीजें हैं। हाँ, जहाँ तक जो ये जड़ी बूटियों से जो बनी हुई जो शांदे वगैरह होते हैं वो बड़ों में रिकमेंडेड है, लेकिन बच्चों में रिकमेंडेड नहीं। सही, जो कृषि का जौहर जो शाना मिल रहा है वो हम छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। बहुत छोटे बच्चों को नहीं, less than 6 months पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन above 6 months या above 1 year आप दे सकते हैं। देखिए, ये तमाम जो हर्बल चीजें होती हैं ये बड़ों को तो आप बगैर बड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में जरा सा आपको केयरफुली देनी पड़ती है। सही। अच्छा, अब ऐसा बच्चा भी है जो डाइट के मामले में बहुत ज्यादा इतना शौकीन मिजाज नहीं होते, बच्चे डाइट नहीं लेते, तो आपने यहाँ पे विटामिन डी का सोर्स बताया था कि इनके सोर्सेस क्या हैं, फूड के डाइट में क्या हम चीजें ऐड कर सकते हैं इनटेक के लिए? विटामिन ए और विटामिन डी ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दो और है, ए डी ई और के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ए और डी जो है वो, ए स्पेशली आपको निमोनिया से बचाने के लिए, खसरा से बचाने के लिए विटामिन ए की बहुत अहमियत है। विटामिन ए यूजली आपको पता है इसका सोर्स बहुत अच्छा नहीं होता, एग में होता है या जो ऑर्गन मीट होता है उसमें होता है, फिश में होता है। तो अगर तो ये चीजें मिल रही हैं आप दे सकते हैं तो दें, वरना एक कॉड लिवर के कैप्सूल आते हैं, विटामिन ए के कैप्सूल आते हैं, 7 C's के आपने देखा होगा कि इस तरह से जेल लाइक कैप्सूल आते हैं, वो आप अपने बच्चों को दे सकती हैं। रोजाना जो बच्चे बड़े हैं 2 साल से ऊपर, उनको रोजाना एक कैप्सूल काफी होता है। तो और इसके अलावा विटामिन डी तो हमारी बोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी जनरल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो निमोनियाज या इन्फेक्शंस होते हैं विटामिन डी उनको प्रिवेंट करता है, जो आपकी फेफड़ों की जो एपिथीलियम होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उसकी मूवमेंट को सही रखता है। तो इसलिए विटामिन ए और डी का तो आपने लाजमी अपने बच्चों को देते रहना है एज अ सप्लीमेंट। दुनिया भर में विटामिन डी तो अब फोर्टिफिकेशन के तौर पे मौजूद है, यानी कि 400 IU अब डेली आपने अपने बच्चे को देना है, जो अब बच्चे 1 साल से ऊपर है। 1 साल से ऊपर की थोड़ी सी डोज डिफरेंट है, वो आप अपने बच्चे के डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन उससे बड़े लोगों को अपने विटामिन ए और डी देना है। और विटामिन डी भी आप डेली देंगे, और आइडियली तो स्पीकिंग तो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है और विंटर वेदर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। अच्छा, इसमें हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि छोटे बच्चों को चाय, अगर जिस तरह सर्दी है चाय दे सकते हैं, जिस तरह आर्मस्ट्रांग चाय बन रही होती है या जिस तरह शादी जिस तरह होती है, तो देखिए, छोटे चाय का बच्चों वैसे तो वॉर्म एक चीज है, वॉर्म मिल्क या वॉर्म टी, जो है वॉर्म जो टी है वो, टी का मसला क्या है, टी में टेनेट्स होते हैं, और जो टेनेट्स होते हैं वो जो आपकी गिजा में जो थोड़ा बहुत भी आयरन होता है, आयन होता है, उसको बाइंड कर देते हैं, उससे फिर वो गट में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने का चांस होता है। इसलिए हम यूजली पेरेंट्स को कह देते हैं भाई प्लीज बच्चे को चाय मत दे, मगर कभी कभी सही। थोड़ी सी दे लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि दूध पत्ती के बारे में क्या ख्याल है, अगर हम दूध 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 में जस्ट पत्ती भी, उसको दूध पत्ती में दे? भी आपका खाने के साथ नहीं दें, सिंपल खाली पेट अगर बच्चा ले लेता है तो ले ले, लेकिन चाय बहुत ज्यादा रिकमेंड बच्चों में हम करते नहीं है। 2 दफा, एक एक से दो मरतबा से ज्यादा चाय बच्चे को देनी भी नहीं चाहिए। और दूध पत्ती लेता है, इतने हाई जाहिर है, इतनी सर्दी है, कुछ ना कुछ तो बच्चे को वार्म चीज देनी है, तो 1 से 2 मरतबा तो आप आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सही, ज्यादा ठीक रिकमेंड नहीं करूंगी। हो गया जी। अच्छा, और इसमें अंडे का जो इनटेक है दिन में कितना होना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो 1 से 2 हम बच्चों को दे सकते हैं क्या? जी, 1 से 2 आप अंडा दे सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे एग एलर्जी होते हैं, उनको फिर आप नहीं दे सकते एग, लेकिन अगर एग एलर्जी नहीं है तो फिर आप आराम से दे सकते हैं। सही हो गया।
अच्छा जी, और आप इसके बारे में क्या रिकमेंड करती हैं कि सर्दी से बचाव के और कौन से ऐसे कौन सी ऐसी हर्बल रेमेडीज हैं जो हम घर पे रह के बच्चों के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें दे सकते हैं जो कि अगर कफिंग है या फिर उनको अगर नजला है या जो भी मतलब है कि वो उससे चला जाए, कि मेडिसिन की जरूरत हमें ना हो, होम मेडिकेशन चल सकती है। रेमिडीज में तो देखिए हनी और वाटर का बहुत रोल है। जहाँ तक जो शादे वगैरह की बात है वो एज सच मुझे खुद बहुत पसंद है। जैसे आपने कर्शी का जिक्र किया, कर्शी जॉर्जी शादा है, लेकिन बच्चों में हम वो इतना रिकमेंड नहीं करते हैं। बाकी सूप दे सकते हैं, हम क्लियर यखनी दे यस सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से कम के, उससे ऊपर आप चिकन भी ग्राइंड करके साथ अंडे के साथ भी आप दे सकते हैं 6 महीने से ऊपर के बच्चों को। तो यखनी और नीम गर्म पानी में शहद डालकर ये चीजें तो आप आराम से दे सकते हैं। बाकी मिल्क दें तो थोड़ा सा वार्म करके दें, तो और जो भी चीज दें वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडी ना हो ताकि बच्चे का अच्छा, बॉडी मिल्क टेम्परेचर ठीक मिल्क रहे। आप यहाँ पे जिक्र हम लोग कर रहे हैं तो उसमें माइलो ऐड कर देंगे, मतलब जो भी चॉकलेट सिरप वगैरह होते हैं जिस तरह बच्चों को हम दे सकते हैं सप्लीमेंट्स आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, उसमें। पीडियाश्योर है, माइलो है, चॉकलेट को जरा थोड़ा अवॉइड भी कर लें, कोई प्लेन वनीला फ्लेवर्स है वो यूज करें। चॉकलेट थोड़ा बच्चों की कभी कभी हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो बहुत ज्यादा मैं चॉकलेट से कमेंड नहीं करती हूँ। दिन में एक मरतबा आप चॉकलेट का फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन एक जी दफा से ज्यादा नहीं। सही, मतलब कम क्वांटिटी ही रखते हैं उसकी। जी जी अच्छा बिल्कुल। जी, और इसमें जो है बच्चों का अगर फीवर है घर पर, आप कह रहे हो कि मतलब एक नेचुरल फीवर भी हो जाता है, हवा लग जाए इससे, तो उसमें फर्स्ट एड हम क्या कर सकते हैं बच्चों के हवाले से कि देखिए बुखार बच्चों हतम में से। फीवर जो होता है वो इन्फेक्शन से होता है, फीवर की इसके अलावा और कोई वजह नहीं होती। हवा लगना में भी कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस इफेक्ट करता है तो बच्चे को फीवर होता है। तो उसमें ये है कि अगर खुदा ना खास्ता फीवर हो जाता है और नजला जुकाम है तो आप होम रेमेडीज फौरन शुरू कर सकते हैं। पैनाडॉल का इस्तेमाल सेफेस्ट है बच्चों में, पैरासीटामोल या पैनाडॉल सिरप, पैनाडॉल का इस्तेमाल सेफेस्ट है। इसके अलावा अगर पैनाडॉल से फीवर नहीं उतरे तो आइबुप्रोफेन बाजार में मौजूद होता है, वो 2.5 ml to 5 ml आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। जहाँ तक सही है, एंटीबायोटिक्स का ताल्लुक है तो वो आपने अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे सही कफ सीरप्स अवेलेबल हैं, कुछ आजकल IV एक्सट्रैक्ट के सीरप्स मिल रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि बच्चे को इतना हार्म नहीं करते। हाँ एक और चीज मैं माओ को ये पैगाम देना चाहूंगी कि बच्चों में सांस की चलने की या पसलियां चलने की शिकायत हो जाती है जिससे हम वीज कहते हैं, और उस सांस में से बकायदा आवाज आ रही होती है। दैट इज अ सीरियस कंडीशन और उसको बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। इसके लिए कुछ दवाइयां ऐसी मौजूद हैं जो कि पहले से दे दी जाती हैं ताकि बच्चे को ये वीज ना हो, इसको हम मोंटेलुकास्ट ग्रुप कहते हैं। तो वो इस सीजन में बच्चों को दवाइयां देने से बच्चे का सीना खराब नहीं होता, तो इसलिए ये दवाइयां पहले से देकर आप सर्दियों का वेदर आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फीवर 1 से 2 दिन में ना उतरे तो फौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि खुदा ना खास्ता नजला जुकाम निमोनिया में ना तब्दील हो जाए, और प्रॉपर इलाज करवाएं। और अगर एंटीबायोटिक शुरू करें तो 1-2 दिन देकर बंद नहीं करें, 5 to 7 days तक मिनिमम आपको एंटीबायोटिक देनी होती है, वरना फिर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए सही अगर फीवर होता है तो इट इज इन्फेक्शन, नथिंग एल्स, हवा लगने से सिंपल फीवर नहीं होता। अच्छा, इसमें बहुत सी माएं ऐसा भी करती हैं कि अगर कफिंग हो गया, फ्लू है, तो वो नेबुलाइज घर में ही कर रहे होते हैं, तो जी नेबुलाइज जी इजीएस्ट वे क्या है एक तो, मतलब आप कितना रिकमेंड करते हो कि ये करना चाहिए या जी फिर बिल्कुल। डायरेक्ट। अगर आपके बच्चे बिल्कुल देखो अगर बच्चे को वीज होती है तो माएँ घर में नेबुलाइज कर सकती हैं, और घर में नेबुलाइज जी करने का फायदा यह है कि बस अब हॉस्पिटल जाकर आप इन्फेक्शन से एक्सपोज नहीं होते हैं। हाँ ये मैं कहूंगी कि अगर 2 या 3 दफा से ज्यादा नेबुलाइज करने से बच्चे के सांस में बेहतरी ना आए तो फिर आपको फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेबुलाइज करने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें एक तो क्लिनिल से नेबुलाइज होता है और एक एट्रोवेंट से नेबुलाइज होता है। तो पहले तो क्लिनिल से या क्लिनिल कंपोजिटम से नेबुलाइज करना चाहिए, अगर उससे इम्प्रूव ना हो तो फिर आपको एट्रोवेंट से नेबुलाइज करना चाहिए। तो थोड़ा सा उसमें नॉर्मल से लाइन डालते हैं और नेबुलाइज आप घर पे कर सकते हैं, मगर प्लीज 2 से 3 दफा से नेबुलाइजेशन से अगर बच्चे की तबीयत सही नहीं होती तो फिर आप फौरन हॉस्पिटल ले जाए। अच्छा, इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट भी यूज जो आप नॉस्ट्रल्स में डालते हैं, बट मुझे यूज करते हुए काफी प्रॉब्लम होता है कि बच्चे के लिए स्पेशली कि वो डर ही लगता है,
तो वो प्रोसेस नहीं ठीक है नहीं क्या? नेजल स्प्रेस जो है, नेजल स्प्रेस बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है. बिल्कुल उसमें कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि बच्चे में फ्लशिंग कर सकती हैं, टेकिकार्डिया कर सकती हैं. तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आप नेजल स्प्रे बच्चे के नोज के अंदर करें जब तक बच्चे 10 साल से ऊपर ना हो जाए. दूसरा ये कि नॉर्मल विक्स लगाने से, नोज पे विक्स लगा दें, बेबी विक्स भी आती है, गर्दन पे लगा दें, बिल्कुल मालिश नहीं करें, हल्की सी लगा दें या पिलो पे लगा दें. वैसे गर्दन पे हल्की सी लगाना और नोज पे लगाना बेस्ट रहता है. तो विक्स आप यूज कर सकते हैं और प्लेन स्टीम दे दे. प्लेन स्टीम देने से भी बहुत ब्रीदिंग में बेहतरी आ जाती है और जो सांस और जो सारा आपका खुश्की हो रही होती है वो ठीक हो जाती है. तो प्लेन स्टीम इज वेरी गुड और विक्स इज वेरी गुड. तो ये दोनों चीजें आप करें तो इनशाला इससे ज्यादा आगे जाना नहीं पड़ेगा. सही अच्छा, है। नोज ब्लॉकेज के लिए एक और चीज जो आप कर सकते हैं, नॉर्मल सिलाइन पी नेजल ड्रॉप्स आते हैं, नॉर्मल सिलाइन पी नेजल ड्रॉप्स, वो आप नोज में डाल सकते हैं छोटे बच्चों के, जिससे उनकी नाक अगर बंद हो जाती है नजले से तो वो खुल जाएगी. लेकिन स्प्रेज नहीं करनी है, जो आप नेजल स्प्रेज मिलते हैं बड़ों के लिए वो बच्चों में यूज नहीं करते. अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट भी तो मिलता है ना जो नोज के लिए स्पेशल होता है छोटे न्यू बॉर्न्स के लिए, तो वो कितना इफेक्टिव है, वो कैसे इसका यूजेज किस तरह से किया जा सकता है? इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नॉर्मल सिलाइन पी ड्रॉप्स ही होते हैं. क्लीन करने ओके के लिए फाइन। कुछ सक्शन बल्ब्स आते हैं, वो भी हर बच्चे में नहीं यूज करते. अगर कोई बच्चे के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो फिर हम यूज करते हैं, वरना नॉर्मल सिलाइन पी ड्रॉप्स ही होते हैं जो कि न्यूबॉर्न में यूज किए जाते हैं. बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैसेज ऑफ द डे, एज यू नो कि दिस सेशन इज ब्रॉट टू यू बाय शील्ड, तो आपका इसके हवाले से क्या मैसेज होगा आज का? हाँ देखिए, मेरा तो एक तो ये मैसेज है मदर्स के लिए कि सर्दियों में बच्चों को बहुत सारे फ्लू, नजला, जुकाम, नमोनियाज बहुत कॉमन होते हैं. तो जितना मुमकिन हो सके अपने बच्चों को ठंड से बचाएं, गिज़ा का ख्याल रखें और हैंड वॉशिंग को भी हैंड वॉशिंग जरूर करें. हाँ, एक और चीज़, स्किन अभी आपकी ड्राई हो जाती है उसके लिए आप प्रॉपर जो इमोलियंस होते हैं या जो स्किन को ड्राई नहीं करते उसका इस्तेमाल करें. और जो अच्छी रिलायबल प्रोडक्ट्स हो उनको यूज करें. हर जगह से खरीद के प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, जो अच्छी रिलायबल हैं और जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बेहतर है. हर तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन जो अच्छी और रिलायबल हो और टाइम टेस्टेड हो वही इस्तेमाल करनी चाहिए. बाकी ये कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, उससे बहुत सी चीजों से आपका बच्चा प्रिवेंट हो जाता है. अब तो 12 साल से ऊपर कोविड वैक्सीनेशन भी हो रही है और उससे छोटे बच्चों के लिए निमोनिया की और मीजल्स की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिना, एंड नाइस टू थैंक टॉक यू सना. ओके, नाइस टॉकिंग टू यू. ओके, अलाफ। टेक केयर. अल्लाह हाफिज.